अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? आप सब ठीक है? अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली खैर वफ़ियत और बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी नवाजी। आज जी आपके साथ मैं बीफ शुमारी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं उसके इंग्रेडिएंट कुछ इस तरह है, ये मेरे पास जी 2 किलो बीफ को मैंने ये टिक्का बोटी करवा ली है, इसके पीसीज इस तरह कर ली है। ये 2 किलो है, ये वॉश करके मैंने रख दी है। और 1 लीटर मैंने पानी लिया, ये 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 4 लौंग हैं और 1 जवत्री का पीस है, 2 हाफ कर लिए एक बड़ा पीस था, और 2 तेज़पात है और 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और 1 चुटकी जो से कलवंजी है, ये जो से ना ये एंड पे दम पे मैं डालूँगी। 4 टमाटर हैं मीडियम साइज़ की, उसकी कटिंग कर ली है। 5-6 सब्ज़ मिर्चें हैं, वो भी मैंने लंबाई में कटिंग कर ली है। 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट है, 4 प्याज हैं, इनको चॉप कर लिया मैंने थोड़ा सा पानी डाल के। 1 चम्मच नमक की है, 1/2 चम्मच रेड मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच क्रश किया हुआ सूखा धनिया और 1/2 ही चम्मच जायफल और जवत्री का पाउडर है, 1/2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ये भुना हुआ और 1/2 चम्मच 1/4 जो है नहीं काली मिर्च है। और ऑयल जाएगा 1 कप ऑयल ऐड करूँगी सबसे पहले जी बिस्मिल्लाह करके। तो इसको मैं जो मटन है उसको मैं है ना पकने के लिए रखूँगी और इस तरह उसका मसाला रेडी करूँगी। सारा चावल डाल दूंगी इसमें। ये जी 1 लीटर मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। बाकी ये जो ड्राई मसाले हैं वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी, ये मसाले भी इसी के अंदर ही ऐड करूंगी। और फ्लेम मैंने इसकी दरमियानी कर ली है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसकी मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी। इसको मैं 20-25 मिनट के लिए जो है ना इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी 25 मिनट के लिए। इस तरह इसका जी मसाला भी लगा लेंगे। एक कप इसमें ऑयल डाल दूंगी, थोड़ा सा मसाला हम रेडी करेंगे, बाकी जो मसाला हम बदलो इसके अंदर फिर वो मटन जो हम भून लेंगे। एक कप इसमें ऑयल चला गया, अब इसमें डाल दूंगी जी प्याज। चार प्याज थे दरमियानी साइज के, प्याज उसको मैंने चॉप कर लिए। साथ इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसको जो है मैं इसको ज़रा भून लूँगी, ये 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ये इसमें चलेगा। पाँच मिनट तक इसका मसाला मैं रेडी करती हूँ, बाद में फिर इसमें मैं जी टमाटर और बाकी चीज़ें डालूँगी। 25 मिनट जी मैंने इसको बीफ का वेट लगाया था, अब ये गोश्त जो है ना हमारा 80% गल के 80% गल गया जी, 20% जो है ना वो बाकी वो टमाटर वगैरह के साथ इसका पानी भी ड्राई करूंगी और इसके साथ साथ इसको भूनूंगी। अब मैं इस मसाले में ऐड करती हूँ जिधर मैंने प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सारा इसमें डाल दूंगी जी। साथ ही इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, ये 4 टमाटर हैं मीडियम साइज के ये, और 1/2 सब्ज़ मिर्चें ये भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर। 1/2 सब्ज़ मिर्चें मैं दूंगी ना दम पे डालूंगी, तब तक साथ साथ पानी भी ड्राई हो जाएगा इसका और साथ टमाटरों का फ्लेवर जो है ना इसमें गोश्त में चला जाएगा। आप मेरी इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी और टेस्टफुल बनती है। और अल्लाह मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप सबको सलामती वाली खैर अफियत और बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी नवाजे, आमीन। अभी जी इसका पानी भी ड्राई होगा और टमाटर और ये जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें तो सारा फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा। अभी मैं इसको हाफ कवर करूँगी, फुल कवर नहीं करूँगी, अच्छी तरह से कवर करूँगी और फ्लेम थोड़ी सी मैं इसकी स्लो कर दूँगी ताकि पानी भी गल जाए, इसके पानी भी ड्राई हो जाए
नहीं थोड़ी सी स्लो कर लूँगी जी इसकी। बस मैंने टमाटर डाल दिए, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, पानी भी ड्राई हो जाएगा और ये टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूँगी। अब इस टाइम पे जी मैं इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया आधी चम्मच है और आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ी सी ये सूखी मेथी है, ये इस टाइम पे मैं डाल दूँगी ताकि इसका फ्लेवर सारा गोश्त में चला जाए। बिस्मिल्लाह दस मिनट तक जी दरमियानी फ्लेम पे रखा हुआ मैंने इसको, इस तरह ही पकेगा और पानी भी ड्राई हो जाएगा। 10 मिनट तक, जितनी देर तक ये 10 मिनट तक तैयार होता है उतनी देर तक मैं इसका रायता रेडी कर लेती हूँ। साथ ही रायते में डाल रही हूँ ये बारीक मैंने कटिंग की हुई है मूलियाँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च है, हाफ टमाटर है बीच निकाल दी है उसके मैंने, और हाफ ही खीरा है, थोड़ा सा जो सा ये धनिया है इसमें डाल देंगे जी। 1/4 नमक है इसी, और 1/4 ही काली मिर्च है, और 1/4 ही जो सा ना ये छासी रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह इसको जी थोड़ा बीट कर लेंगे, फिर इसके अंदर मैं जी सारी जो वेजीज है ना ये जो मैंने अभी काटी है ये सारी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कढ़ाई के साथ इस रायते का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर बनाइएगा, बड़ा अच्छा और टेस्टफुल बनता है। सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह, अल्लाह ताला का दुरूद शरीफ नबी का पढ़ते पढ़ते और बिस्मिल्लाह पढ़ते पढ़ते खाना बनाया करें, आपके खानों में आपके रिज़्क में आपकी ज़िंदगियों में अल्लाह बरकतें डाले, खुशियाँ लोग खुशियों से भरी जिंदगी नवाजे और आप लोगों के दस्तरखान हमेशा भरे रहें और अल्लाह ताला उनमें बरकत डाले। ये जी हमारा जो रायता है ना ये रेडी हो गया, ये भी मैं जब मटन को उसको बीफ को आपके साथ उसमें डिश आउट करूँगी तो इसको भी डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊँगी। अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ना फ्रिज में रखूँगी ठंडा होने के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 10 मिनट के लिए मैंने इसको दरमियानी फ्लेम पे रखा हुआ था, अब इसका पानी भी ड्राई हो गया, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें भी इसके अंदर ही मेल्ट हो गई है सारी अच्छी तरह। अब इसमें ये दही ऐड कर दूँगी, ये मेरे पास 1/2 कप दही है, ये दही ऐड कर दूँगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह मैंने बीट कर लिए, मिक्स कर लेंगे जी। अब आग हमने हाई रखी है और इसी तरह ज़रा 5-7 मिनट के लिए ना फिर इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि दही जो है ना इसका फ्लेवर भी इसके अंदर चला जाए और दही का पानी भी ड्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 10 मिनट के लिए मैंने इसको दही डाल के 2 कप दही 1 चम्मच दही डाल के तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था, अब इसका पानी भी ड्राई हो गया दही का और टमाटर हमारी मिर्च भी सारी टेंडर हो गई है और गोश्त भी ढोसा हमारा डाल गया। अब हम इसको इसमें थोड़ी सी डालेंगे जी अदरक, थोड़ा सा धनिया पुदीना डाल देंगे जी, इसमें डाल और थोड़ी सी ये जी सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे और इसको दामन फ्लेम पे रख देंगे 10 मिनट के लिए। मैं दामन फ्लेम पे रखूँगी ताकि उसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और फिर हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा और 10 मिनट तक इसका ऑयल भी आ जाएगा, हमारा जो बीन्स हमारी कढ़ाई जो उनके लिए रेडी हो जाएगी। फिर 10 मिनट का हम मैंने इसको दम लगाया था, अब इसका ऑयल ऊपर आ गया, ये हमारी जो से भी सवारी मुंशी है ना ये हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, देखिए कितनी इसकी ग्रेवी है, कितना अच्छा कलर आया है, इसको सबक लिखते हैं और तरफ वगैरह जो होता है ना वो भी इसके अंदर बड़ी है। अब इसको डिश आउट करते हैं, इसकी रखा हुआ आप चाहें तो इसको और भी ड्राई कर लें, पानी का इसका और मैंने ज़रा ग्रेवी बना ली थी इसलिए मैंने इसको ना फ्लेम बंद कर दी। इसको मैंने डिश ऑफ कर दिया, आप इस तरह मेरी रेसिपी से जरूर बनाइएगा, बहुत अच्छी है टेस्ट, जो उनकी अच्छी हमारी बनी है